हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर को पढ़ने वाले हैं। वैसे आप कहोगे मैम क्या एग्रीकल्चर, पुराना सा टॉपिक है, बट अब आज जो इसमें देखोगे ना चीज़ें, कहोगे हाँ मैम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आपकी आज वाली क्लास से निकल सकते हैं, तो ध्यान से देखना आज की क्लास को, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना भाई क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एग्रीकल्चर देखो होता क्या है। एग्रीकल्चर अगर ज्योग्राफिकल तौर पर बात करें तो मिट्टी को जोतना, उसमें विभिन्न फसलें उगाना और फसलों के लिए मिट्टी को तैयार करना, पानी देना, सिंचाई करना और फसल को तैयार करना, तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि कहलाता है। कृषि में किसान पुरानी टेक्निकों का भी यूज़ करता है, और कई किसान तो अब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भी कृषि करते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से भी खेती की जाती है। अब जैविक खेती आ गई है आपकी, ठीक है, जिसमें आपके जो रासायनिक खादों का कम यूज़ किया जाता है, और गोबर खाद और अन्य चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, केचुए वगैरह का, तो आपकी जैविक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आ गया है, ट्रेंड में है आजकल ये चीज़ें। ठीक है, एग्रीकल्चर में बात करें तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है भाई आपका एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कृषि प्रणालियाँ। कृषि प्रणालियाँ विश्व के अनेक भागों में आपकी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो सभी प्रकार की गतिविधियाँ पाई जाती हैं वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो, और वो सारी की सारी गतिविधियाँ आपकी एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करती हैं, और इसी प्रभाव के कारण वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी आपकी कृषि प्रणालियाँ विकसित हो गई हैं, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम विकसित हो गए हैं। और जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की फसलों का बोया जाना, और उन फसलों को बोने के लिए भी अलग अलग टेक्निक का यूज़ करना, तो ये चीज़ अलग अलग कृषि सिस्टम को दर्शाता है, अलग अलग कृषि की विकसित अवस्था को दर्शाता है। अब विश्व में प्रचलित, हमारे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो आपकी कृषि प्रणाली प्रचलित है वो है आपकी भाई जीवन निर्वाह के लिए कृषि या आधुनिक कृषि। तो जो भी आपकी प्रणालियां हैं उन सारी प्रणालियों को हम आज की जो वीडियो है इसमें अपना पूरी की तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार, अगर आपको बाद में भूल जाते हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके और उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कृषि प्रणालियाँ। इसमें सबसे पहले आती है भाई आपकी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, ठीक है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर निर्वाह कृषि, इसमें कृषि उत्पादों का लगभग आधे से अधिक भाग खुद उपभोग कर लिया जाता है किसान के द्वारा। यानी ये जो खेती हम करते हैं ये अपने खाने के लिए करते हैं, बेचने के उद्देश्य से कम, और अपने द्वारा उपयोग इस प्रकार की खेती का ज़्यादा किया जाता है, और थोड़े बहुत अगर बच भी गया तो उसको स्थानीय बाज़ार में बेच दिया जाता है। स्थानीय बाज़ार में यानी लोकल मार्केट में ही बेच दिया जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं, तो आपका जो विकासशील देश होते हैं ना, विकासशील देश जैसे भारत, तो विकासशील देशों में जो आपके किसान होते हैं अपने परिवार के साथ इस प्रकार की खेती को करता है, निर्वाह कृषि को, ठीक है, जीवन जीने के लिए, और अनाज और गेहूं वगैरह उगा कर अपना भरण पोषण करता है, अपना पालन पोषण करता है। इसे निर्वाह कृषि को अपने जीवन जीने के लिए उगाने की वजह से जीविकोपार्जी कृषि भी कहते हैं। जीविकोपार्जी कृषि के नाम से भी जानी जाती है आपकी निर्वाह कृषि, जीविकोपार्जी कृषि। दो प्रकार की होती है भाई आगे जाके, ये एक आता है इसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरा आता है इसके अंतर्गत आपकी गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। तो दो प्रकार की होती है ये आगे चल के। आदिकालीन निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो कृषि के, एग्रीकल्चर के सबसे पहले
जिस आदिम स्वरूप का जन्म हुआ था, यानी पुराने टाइम में जो एग्रीकल्चर की जाती थी वो थी आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी कृषि को आप सभी जानते होंगे ना, स्थानांतरी कृषि। तो स्थानांतरी कृषि कैसी होती है, कुछ लोग आए किसी एरिया में, वन उगे हुए हैं, पेड़ हैं, उन पेड़ों को काटा, लकड़ियों को जलाया, मिट्टी को साफ किया और वहाँ पर 3-4 साल खेती की। जब तक उस एरिया से आपकी पैदावार प्राप्त हो रही है तब तक खेती करेंगे, जब पैदावार ख़त्म हो गई उस एरिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसीलिए आपकी ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। काटो और जलाओ, काटो क्यों भाई, काटो पेड़ को काटो और फिर जो पत्तियां वगैरह हैं, जो छोटी छोटी टहनियाँ, उनको जला देते थे, तो काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानी जाती हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो लोग 2-3 वर्ष उस पर खेती बाड़ी करके फिर उसको छोड़कर चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कोई एरिया ढूंढेंगे, वहाँ पर वनों को फिर काटेंगे, वहाँ पर फिर से अवशेषों को जलाकर और खेती बाड़ी स्टार्ट कर देंगे। तो स्थानांतरित कृषि को इसीलिए काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जाना जाता है। आदिम लोगों के द्वारा ज़्यादा की जाती है ये, आदिम जनजाति जो होती हैं आपकी, पुराने टाइप के लोग। तो अमेरिका में अगर हम बात करें तो अभी कुछ टाइम के लिए गहन निर्वाह कृषि में मिटा रही हूँ, अभी ये पढ़ेंगे आदिकालीन। तो जो आपका अमेरिका है, ठीक है, सॉरी अमेरिका नहीं, अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी 0 डिग्री से ऊपर भी और 0 डिग्री से नीचे भी, ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर यही खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि। उसके अलावा सेकंड एरिया की बात करें तो भाई आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भी आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर भी। थर्ड आता है मध्य, अगर हम बात करें जो अमेरिका वाला पार्ट है ना, तो मध्य अमेरिका और आपका दक्षिण अमेरिका, तो इन एरियाज में आपकी कौन सी खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब स्थानांतरित कृषि को आपने देखा अफ्रीका में भी बोई जा रही है, एशिया में भी बोई जा रही है, अमेरिका में भी और दक्षिण अमेरिका में भी, तो अलग अलग एरिया में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके PGT लेवल में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, नाम पूछे जाते हैं भाई, TGT कह लो, PGT कह लो, और आपके नेट में भी ये क्वेश्चन आता है। तो लो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल के लिए स्थानांतरित कृषि के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब आता है भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी ये खेती की जाती है स्थानांतरित कृषि। भारत उत्तर पूर्वी इलाकों में इन्हें झूम खेती के नाम से जाना जाता है। हद से ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, झूम खेती वाला, ठीक है। उसके बाद आपके मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लद्दाख के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में और भाई आपका मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है मिल्पा, ठीक है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा आपके मध्य अफ्रीका की बात करें तो यहाँ लिख रही हूँ भाई, मध्य अफ्रीका यानी अफ्रीका का पार्ट, मध्य अफ्रीका के अंदर इसे मसोले कृषि के नाम से जाना जाता है मध्य अफ्रीका के अंदर। और लास्ट आता है आपका फिलीपींस महाद्वीप, महाद्वीप कह रही हूँ, द्वीप है ये फिलीपींस द्वीप के अंदर स्थानांतरित कृषि को चेन गिन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम में आई है वो ये तीनों हैं, ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व में झूम, मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख कृषि, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कृषि के नाम से जानी जाती है स्थानांतरित कृषि। तो ये थी भैया आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें। सेकंड आपकी आती है निर्वाह कृषि के अंदर जो दूसरी गहन निर्वाह कृषि, सेकंड आता है आपका गहन निर्वाह कृषि। फर्स्ट टाइप तो हमने पढ़ लिया कैसे क्या होता है इसमें, कैसे लोग पुरानी आदिम जातियां आपकी खेतीबाड़ी करती हैं। सेकंड आता है आपका गहन निर्वाह कृषि,
गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि यानी मैंने बताया था ना, जीवन जीने के लिए ये खेती की जाती है, चाहे आदिम लोगों के द्वारा चाहे सिंपल किसानों के द्वारा। तो जो आपकी गहन निर्वाह कृषि है इसमें अधिक उत्पादन, गहन निर्वाह, तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि पर आपकी पूंजी और श्रम को अधिक मात्रा में लगाया जाता है, यानी बेस्ट क्वालिटी के बीज, रासायनिक खाद, मजदूरों को यूज़ करके खेत में से अच्छी पैदावार को प्राप्त किया जाता है गहन कृषि के अंतर्गत। इसमें आपकी जो प्रति हेक्टेयर उपज होती है, प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है इसमें अधिक होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सब कुछ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का यूज़ किया जाता है गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत। अब ये जो गहन निर्वाह कृषि है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है भाई इसमें सबसे पहले चावल प्रदान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी होती है आपकी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो दो प्रकार की होती है ये आपकी निर्वाह कृषि। तो भाई चावल प्रदान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रदान यानी चावल वाले एरिया, यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो पूरा लंबा वर्षा का टाइम होता है, वर्षा ज़्यादा होती है इन एरियाज में, और उसके अलावा आपकी गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, तो चावल के लिए बेस्ट होते हैं ये एरियाज। जैसे अगर हम बात करें एशिया के अंदर आपका जो भारत आता है, चीन आ जाता है, और उसके अलावा आपका बांग्लादेश, म्यांमार, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारे के सारे आपके चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत लाए जाते हैं, तो चावल के लिए उपयुक्त होते हैं ये वाले एरियाज। सेकंड चावल रहित निर्वाह कृषि, तो जो देश अपनी ठंडी जलवायु के कारण और कम वर्षा के कारण चावल के अनुकूल नहीं होते, जैसे उत्तरी कोरिया, उत्तरी चीन, उसके अलावा आपका मंचूरिया और उत्तरी जापान, तो ये वाले एरिया चावल के लिए अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और जलवायु ठंडी ज़्यादा रहती है, इसी वजह से ये चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी निर्वाह कृषि कंप्लीट होती हैं। सेकंड आती है आपकी एग्रीकल्चर सिस्टम के अंतर्गत, फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसे हम बोलते हैं निर्वाह कृषि, पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है हमने इसको। सेकंड आता है भाई आपकी रोपण कृषि, सेकंड नंबर पर आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि की यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर 18वीं शताब्दी में जब आपकी यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में, तो कारखानों का उत्पादन बढ़ने लगा, आपके इंडस्ट्री स्थापित हुई, कारखाने बढ़ने लगे, कारखानों में कच्चे माल की नीड हुई, और इस कच्चे माल को पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों ने विश्व के अनेक देशों से औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। और अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो परंपरागत चीज़ें चल रही थी ना, एग्रीकल्चर परंपरागत जो फसलें चल रही थी उनको, जो बोने के तरीके थे उन तरीकों को बदलते हुए कृषि करने के अन्य तरीकों की शुरुआत की गई, और इस प्रकार की कृषि को ही कहा गया रोपण कृषि। ठीक है, तो पश्चिमी देशों में वस्तुतः यह अगर हम बात करें आपकी एक वाणिज्य कृषि अवस्था है। कैसी वाणिज्य, यानी व्यापार के उद्देश्य से की गई थी ये कृषि, व्यापार के उद्देश्य से, इसलिए वाणिज्य कृषि व्यवस्था भी कहते हैं। और पश्चिमी देशों में सबसे पहले कहाँ पर भाई, पश्चिमी देशों में, या आप यूरोप कह सकते हो, पश्चिमी देश कह सकते हो, पश्चिमी यूरोप या पश्चिमी देशों के अंतर्गत ये सबसे पहले लाई गई थी। ठीक है, तो इसके दौरान जैसे इसमें रोपण कृषि में ब्रिटेन वासियों के दौरान जैसे भारत में और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए गए, उसके अलावा मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए गए, बाग लगाए गए, पश्चिमी द्वीप समूह में आपके गन्ना वगैरह बोया गया और केले के बागान लगाए गए। तो ये जो सारी फसलें हैं आपकी चाय, ठीक है, आपके केले और आपकी रबड़, ये सारी की सारी गन्ना आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं, व्यापार के उद्देश्य से बोए गए थे। ठीक है, उसी तरह आपके स्पेन में और अमेरिका यानी फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में भी नारियल और चाय के बागान लगाए गए थे रोपण कृषि के अंतर्गत। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि
का पूरा अधिकार हो गया था। सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता था इंडोनेशिया में एक टाइम पर, और ब्राज़ील में अब भी देख लोगे ना तो आपका कॉफ़ी। मीन्स मेरा कहने का क्या कि जब किसी एग्रीकल्चर पर, किसी कृषि पर एक देश का एकाधिकार हो जाए, एक देश का एकाधिकार हो जाए उस फसल को बोने में, उसकी पैदावार में, तो वो फसल आपकी रोपण कृषि कहलाती है। जैसे देखो मैंने आपको बताया ना, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, स्पेन और अमेरिका में गन्ने के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने के बागान, तो ये स्पेशलिस्ट ही हो जाएगी, विशेष हो जाएगी वो कृषि वहाँ के एरियाज के लिए। तो वर्तमान में जो अधिकतम ये जो बागान लगाए गए, इन बागानों का जो स्वामित्व है वो देश की सरकार और जो नागरिक है जो बागान लगाते हैं उनके हाथ में आता है। तो पूरे आपकी सब कुछ किया जाता है इसमें, बेटर तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है, आपके रासायनिक खाद उर्वरक सब कुछ यूज़ करके एक टेक्निक के द्वारा, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा खेती को किया जाता है रोपण कृषि के अंतर्गत। थर्ड आता है अब आपका कृषि सिस्टम में रोपण कृषि के बाद, नेक्स्ट आता है भाई आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। थर्ड एग्रीकल्चर सिस्टम मध्य अक्षांशों के अनेक आंतरिक अर्धशुष्क इलाकों में, यानी जो मध्य अक्षांश है ना आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, तो वहाँ के जो आंतरिक भाग हैं, वहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें तो थोड़ी बहुत गर्म आती है, तो वहाँ पर अनाज ज़्यादा बोया जाता है, जैसे आपका मक्का, जौ, राई, जई, इस तरह की फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं। और एग्रीकल्चर भी बड़े बड़े एरिया में, यानी बड़े बड़े प्रति एक किले में कर ली, दो किले में कर ली, तो ऐसे ही आती है। अब ऐसी जो कृषि होती है ना आपकी अनाज कृषि, पर्टिकुलर आपके अलग अलग महाद्वीपों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो जो आपका यूएसए है, यूएसए के प्रेरी क्षेत्र में, यूएसए का जो प्रेरी क्षेत्र है, ठीक है, जिसे आपकी विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भाई इसमें अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, जिसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना पंपास क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान का स्टेपी क्षेत्र, कजाकिस्तान का स्टेपी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र, वैसे ये यूरोप में पड़ता है तो यूरोप का भी स्टेपी क्षेत्र बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ये सारे हैं ना एक्चुअली आपके घास के मैदानों के नाम हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम, आप एक जगह याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। और न्यूजीलैंड एक और आता है भाई इसमें, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी एरिया, कैंटरबरी एरिया यानी कैंटरबरी जगह, यहाँ पर आपकी जो कृषि की जाती है वो आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है, अनाज के रूप में कृषि की जाएगी और विस्तृत एरिया में, छोटी मोटी, छोटे मोटे खेत नहीं होंगे, बड़े बड़े खेतों में, यानी 5 किलो में गेहूं बो दिया, आपके 4 किलो में जौ बो दी, राई बो दी, तो मक्का बो दिया, तो इस तरह की फसलें की जाती है, अनाज बोया जाता है। और ये आपके एरियाज हैं वर्ल्ड के अंदर जहां पर आपकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बाद नेक्स्ट आता है भाई हमारा कृषि सिस्टम में, एग्रीकल्चर सिस्टम में फोर्थ आती है आपकी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, यानी मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि की बात करें तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर तो होती ही होती है और एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है किसानों के द्वारा। एग्रीकल्चर तो करेंगे ही, एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि, यानी मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पर आपकी जो खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, जो खाद्यान्न फसलें हैं जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, उन फसलों के साथ साथ आपकी कई बार नगदी फसलें भी बोई जाती हैं, तो आपकी पशुचारण भी होगा, नगदी फसलें भी बोई जाएंगी, खाद्यान्न फसलें भी बोई जाएंगी, तो सारी एग्रीकल्चर को मिक्स करके बोया जाता है। इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर का सबसे अधिक प्रचलन आपके अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में है, आपके अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इन सभी एरियाज में आपकी मिश्रित कृषि की जाती है, ठीक है। और अमेरिका में
मिश्रित कृषि मक्के की पेटी में की जाती है। आप ये क्वेश्चन आया था एक बार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपकी मिश्रित कृषि की जाती है वो मक्के की पेटी में की जाती है। किस में की जाती है? मक्के की बेल्ट में की जाती है। जो एरियाज आपका स्पेशलाइज्ड है मक्के के लिए, तो उस एरिया में की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके मिश्रित कृषि। समझ गए भाई? ठीक है। तो और अलग अलग देखो, यहाँ पर आपको कृषि भी प्राप्त हो रही है, खाने के लिए भी, बेचने के लिए भी, और उसके साथ साथ आप दूध, मांस, अंडा, यानी सब कुछ प्राप्त कर रहे हो। तो इस प्रकार जब आप कृषि में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो उसको कहते हैं आपकी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट आता है भाई आपका फिफ्थ, एग्रीकल्चर सिस्टम में डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी भी आपकी इसके अंतर्गत ही शामिल की जाती है। डेयरी फार्मिंग की बात करें तो डेयरी फार्मिंग, आपको सबको पता है डेयरी क्या होती है, जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है, विशेष रूप से गाय को पाला जाता है, उनके भैंसों को पाला जाता है, उनके प्रजनन पर पूरा ध्यान दिया जाता है, तो उनको अच्छी खाद कह रही हूँ, अच्छी जो उनका खाना होता है ना, क्या बोलते हैं, बाट वगैरह, तो उनको अच्छे तरीके से खिलाया जाता है और फिर उनको पूरा ध्यान रखा जाता है, तो उसे कहते हैं आपकी डेयरी फार्मिंग। और अब आप देखोगे तो डेयरी फार्मिंग उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा की जाती है जहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। ठीक है, जहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, ठंडी जलवायु वाले एरिया में ज़्यादा डेयरी फार्मिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पशुओं को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। यहाँ पर अगर बात करें आपकी जो डेयरी फार्मिंग में यानी जो डेयरियाँ खोली जाती हैं वो व्यापार के उद्देश्य से ज़्यादा खोली जाती हैं, और वर्ल्ड में भी जो आपकी वाणिज्य डेयरी फार्मिंग आती है, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर जो वाणिज्य डेयरी फार्मिंग आती है यानी बेचने के उद्देश्य से, तो वो है भाई आपकी कहाँ कहाँ पर। एक तो है भाई आपकी उत्तर पश्चिम यूरोप के अंदर, उत्तर पश्चिम यूरोप के अंदर है। दूसरी आती है आपकी USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर आती है आपकी वाणिज्य डेयरी फार्मिंग। और तीसरा आता है आपका न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के अलावा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं उस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और तस्मानिया द्वीप। तो इन सभी में ही जो डेयरी फार्मिंग की जाती है वो वाणिज्य तौर पर की जाती है, यानी जो पशुओं को पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, वो व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट आता है आपका डेयरी फार्मिंग के बाद एग्रीकल्चर सिस्टम में सिक्स नंबर पर आता है भाई हमारा क्या, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो ये कृषि होती है आपकी भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर के आसपास के जो तटीय इलाके हैं, जो देश हैं, वहाँ पर की जाती हैं। जैसे आपके भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में, एशिया की कुछ पार्ट में, और आपके यूरोप के देशों में भी आपकी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। ठीक है, और भूमध्य सागरीय तटों से दूर यही कृषि व्यवस्था आपकी कुछ कैलिफोर्निया में, जो कि आपका अमेरिका में है, ठीक है, और चिली में, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इन और ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इस कृषि में आपके रसदार फलों को उगाया जाता है। ठीक है, रसदार फलों को, जैसे अगर हम बात करें आपका अंगूर हो गया, आपका जैतून हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, कहते हैं सिट्रस फलों के लिए भी जो कृषि आपकी फेमस है वो आपकी भूमध्य सागरीय कृषि ही है। ठीक है, सिट्रस फलों के लिए अंगूर, जैतून, अंजीर भी इसी के अंतर्गत आता है, तो इनकी सबकी खेती की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। अनेक देश तो अच्छे किस्म के अंगूर उत्पादन के कारण आपकी जो उच्च गुणवत्ता वाली शराब को भी बनाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो शराब है आपकी अंगूरों से बनती है। ठीक है, और निम्न जो आपके होते हैं ना, जो कम अच्छे अंगूर होते हैं, तो उनसे आपकी किशमिश बनाई जाती है और मनक्का बनाई जाती है। जो बढ़िया क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे शराब बनाई जाती है। तो भूमध्य सागर के तटीय इलाकों के साथ साथ आपके यूरोप में भी, अफ्रीका के कुछ पार्ट में, दक्षिण अमेरिका के कुछ पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है, तो आपके बहुत सारी जगह पर अमेरिका के अंदर भी भूमध्य सागरीय कृषि आपकी पाई जाती है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं सिट्रस फलों के लिए किस प्रकार की कृषि इंपॉर्टेंट होती है, रसदार फल बोए जाते हैं इसमें, फलों पर ज़्यादा ध्यान जाता है, जैसे अंगूर वगैरह के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी
एग्रीकल्चर सिस्टम के अंतर्गत आपकी भूमध्य सागरीय कृषि के बाद सेवंथ आती है बाजार के लिए, बाजार के लिए खेती करना, बाजार के लिए कोई कृषि करना, खेती करना, यानी बाजार के लिए आप खेती कर रहे हो या बाजार के लिए आप उद्यान कृषि कर रहे हो, बाजार के लिए, पर किसके लिए करोगे, मार्केट के लिए, यानी पूरी की पूरा बेचने के लिए, नगदी फसल, ठीक है, यानी बेचने के लिए तो कर रहे हो, तो नगदी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से जब सब्जियों को और फलों को, उद्यान में आपके सब्जी और फल दोनों चीज़ आते हैं और नगर से काफ़ी दूर वाले इलाकों पर ये बोए जाते हैं और परिवहन के भी इसमें आवश्यकता पड़ती है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है इसको कहते हैं ट्रक कृषि। क्या कहते हैं? ट्रक कृषि। क्यों? क्योंकि भाई परिवहन की आवश्यकता पड़ती है और ये ट्रक शब्द जो है अमेरिका से आया है। ट्रक जो ये शब्द है इस कृषि के लिए जो यूज़ हुआ है ये अमेरिका में किया जाता है, यानी अमेरिका में इस प्रकार की कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अमेरिका के अंदर ये ट्रक जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? बाजार के लिए उगाई गई सब्जियाँ और फल। ट्रक का मीनिंग अमेरिका में क्या होता है? बाजार के लिए उगाई गई सब्जियाँ और फल। तो बाजार के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये पूरी की पूरी कृषि बाजार खेती और उद्यान खेती, तो व्यापार के उद्देश्य से ये की जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि आपकी कैसी होती है? ये जो आपकी सहकारी कृषि होती है ये आपकी, अगर हम बात करें, अनेक किसान मिलकर जब एक समिति बना लेते हैं, बहुत सा, जैसे 10 किसान मिल गए, उन्होंने अपने खेतों को भी आपस में मिला लिया और आपस में मिलकर कोई फसल बोली, ठीक है, तो उससे उसका पूरा ध्यान रखेंगे और उससे जो मुनाफा होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार कुछ किसान मिलकर एक समिति बनाकर जब कोई खेती करते हैं, कोई कृषि करते हैं, तो उसको कहते हैं आपकी सहकारी कृषि। तो वो होती है भाई आपकी क्या? सहकारी कृषि। तो ये थे भाई आपके एग्रीकल्चर के सिस्टम के कुछ कृषि प्रणालियाँ, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार खेती, बाजार के लिए खेती और उद्यान कृषि और सहकारी कृषि। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो वीडियो है PGT लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक चीज़ और भाई, अब अचीवर्स अकेडमी ऐप पर आपका PGT पेड कोर्स और नेट पेड कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो अचीवर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है भाई। फिर मिलेंगे, तब तक आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहना और पेड कोर्स मत भूलना। अगर आप लेना चाहते हो तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करें, डाउनलोड करें। ओके, हैव ए नाइस डे।